गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड मॉर्निंग प्रदीप। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, अब हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के। एक्चुअली आज थोड़ा सा पार्क में जल्दी जल्दी वॉक करेंगे, और प्रदीप को ना एक्चुअली फेस पे थोड़ी सी इचिंग हो रही है, इनको लेनी पड़ जाती है, और हफ्ते में एक बार मेडिसिन लेनी पड़ जाती है। मेडिसिन खत्म हो गई, इनको थोड़े से रैशेज हैं, इनको थोड़ी इचिंग हो जाती है, इनको थोड़ी एलर्जी है। तो मेडिसिन लेके फिर मिलते हैं। ओके जियाना अंगड़ाई ले रही है, जियाना की नींद नहीं खुलती है। जियाना जल्दी चलो, मैम मुझे डांट देंगी तुम्हारी। चलो जल्दी। तो दोस्तों, हमने जियाना को स्कूल छोड़ दिया है, और टाइम हो गया है 9:21 हो गया है। तो जल्दी से हम यहाँ पे फटाफट वॉक करेंगे, आज हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, जियाना भी स्कूल थोड़ा सा लेट पहुँची है। तो जल्दी जल्दी हम वॉक करते हैं, फिर प्रदीप की हमें मेडिसिन लेनी है, निकलते हैं फिर। देखो पार्क का व्यू देख लो आप लोग एक बार। बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्क है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, इस पार्क में कुछ वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब एक शेड दे रखी है वहाँ पे। यहाँ पे जो मज़दूर हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, आसपास के जो मज़दूर हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है अगल बगल, तो कुछ उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वॉलंटियर पढ़ाते हैं, और बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल से खुशी होती है कि मतलब ऐसे भी लोग हैं जो ये भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी लगता है कि हम भी कुछ करें, और हम सोचते भी रहते हैं इस बारे में। अभी मैं दिखाऊंगी, वो सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और उनके टीचर्स उनको पढ़ा रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कितने अच्छे से यहाँ पे दो टीचर्स हैं, एक यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, और देखो आंटीज़ हैं, ये भी बच्चों की हेल्प कर रही हैं, बैठ के पढ़ा रही हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, देखो। ये भी ठीक है, ज़्यादा पैसा, मैं भी वही चाह रहा हूँ, ज़्यादा पैसा नहीं बन पा रहा हूँ। देखा दोस्तों आपने, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वो पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई मैं नहीं चाहती डिस्टर्ब हो, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने दूर से शूट करके आप लोगों को दिखाया, मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि मतलब हमें भी कुछ अलग आगे हट करके कुछ करना चाहिए। आई एम श्योर मैं भी फ्यूचर में कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ, और मुझे सच में दिल से बहुत खुशी होगी। दोस्तों एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, यहाँ पे वॉलीबॉल मैच भी चलता रहता है, विच इज़ वेरी गुड। एक स्पोर्ट्स भी लाइफ में होना चाहिए, अगर जिम नहीं जा रहे, वॉक नहीं कर रहे, तो स्पोर्ट्स के जरिए आप अपने लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। तो लुक एट दिस, आटा देती हूँ ताकि ये भी खाना पीना अच्छे से खाती रहे। तो दोस्तों सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में घर से ना थोड़ा सा चींटियों के लिए आटा लेके आती हूँ, और यहाँ पे मुझे अपनी, अगर मैं यहाँ आती भी नहीं हूँ पार्क में, तो मैं अपनी छत पर डाल देती हूँ, वहाँ पे भी चिड़िया मिल जाती है, तो मुझे जहाँ चिड़िया दिखती मैं आटा डाल देती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जहाँ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, और थोड़ा ऐसा भी, हालांकि बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, बट मेरी मन की भी इच्छा होती है कि मैं ऐसा कुछ करूँ, मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, अगर आप चींटियों को आटा डाल रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी
मतलब वास्तु के हिसाब से और ग्रंथों के हिसाब से बहुत अच्छी हो जाती है सपोज, क्योंकि जाने ना अनजाने हमसे कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप तो होते रहते छोटे मोटे, वो हमें खुद भी नहीं पता चलते। तो अगर आप ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें करते हो तो शायद वो पाप धुल जाते हैं तो वो पुण्य में काउंट हो जाते हैं। वो आपने मूवी देखी है ना, वो जिसमें वाइट बॉल और ब्लैक बॉल का सीन था कुछ उस तरह से। तो दोस्तों फार्मेसी से हम निकल चुके हैं, हमने ले ली है बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी मतलब मेडिसिन तो एक ही ली है, साथ में हमने फालतू के सामान भी जो हम लेते हैं वो भी ले लिए। ये देखो प्रदीप दिखाना ज़रा, अपोलो फार्मेसी से हमने लिए हैं। मैंने साथ में अपने लिए वाइप्स भी ले लिया दोस्तों, क्योंकि ये वाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बैग में हैंडी होते हैं, बैग में रखो, और बच्चे वाली पार्टी के पास तो हमेशा वाइप होने चाहिए, वेट वाइप, क्योंकि कभी भी कुछ भी खाते पीते हैं और ये लोग खाए गंदे रहते हैं, मतलब तो वेट टिश्यू ज़्यादा ईजी होता है क्लीन करना। तो फार्मेसी को करते हैं हम बाय बाय फार्मेसी, और हम निकलते हैं अपनी घर की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यार, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतनी तेज़ धूप कहाँ से आ रही है विंटर आने वाले कुछ पता ही नहीं चल रहा है। रातें तो ठंडी हो गई है पर दोस्तों यार धूप बहुत तेज़ निकलती, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या ले लिया है आपको। मैंने ये देखो ये कारा का लिया है, बहुत अच्छा है, नीम एंड टी ट्री ऑयल का वाइप्स, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी बहुत होती है। और साथ में मैंने ये लिया है कॉफ सिल, क्योंकि गला कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो इसको कैंडी की तरह चूस लो मज़ा आ जाता है। क्यों बेकार क्यों है ये, अच्छी नहीं है? चलो मैंने फर्स्ट टाइम लिए, चलो ट्राई करते हैं, अगर अच्छी नहीं लगी तो। 33 रुपीज का है यार, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैंने कैप्सूल्स खाई हुई है, मुझे लगा उसका भाई बंधु होगा कुछ, वहाँ खा के देखते हैं कैसी होती है। अगर बीच बीच में ना कभी मौसम चेंज हो रहा है, गला गड़बड़ होता रहता है, तो एक चूस लो ना थोड़ा अच्छा लग, अच्छा सा फीलिंग आती है। वैसे विक्स बेस्ट है बट मैंने देखा तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ये बहुत अच्छी कैंडी होती है। अभी प्रदीप अभी तो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, देख रहे दोस्तों पहले अभी कह रहे थे कि मुझे नहीं खानी है, अच्छी नहीं होती है। और अब कैसी लगी? ऑरेंज वाला बढ़िया कैंडी है, अच्छी कैंडी है ना, विक्स अच्छी लग रही है, विक्स अच्छी लग रही है। मैं कह रही थी मतलब ट्राई करना चाहिए यार, बिना ट्राई किए तो कैसे पता चलेगा कैसी क्या चीज है यार। वहाँ पे क्या दशहरा के झूले वूले लगे, दशहरा और दुर्गा पूजा आने वाली है, और ये सामने रेडिसन होटल है, उस रेडिसन होटल के बाहर एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड में देखो सारे झूले लगना शुरू हो गए, इनफैक्ट लग भी गए हैं यार, मतलब ये दुर्गा पूजा से स्टार्ट कर देंगे है ना। सही है। कैसी लगी कैंडी फिर प्रदीप? बढ़िया लगी। और अभी क्या कह रहे थे थोड़ी देर पहले? ठीक है यार चलता रहता है थोड़ा पति धर्म भी निभाना पड़ेगा। सही है। तो दोस्तों अब हम द्वारका से निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, मिलते हैं बाद में। दोस्तों आप लोगों ने देखा यार फेस्टिव सीजन का फील आने लगा है मुझे, मतलब जगह जगह लोगों ने अपने वो करतब दिखाना शुरू कर दिए हैं। हमारी घर रोड पे ये मतलब एक बच्ची कैसे मतलब बैलेंस बना के ऐसे झूल रही थी रोड पे, तो प्रदीप क्या फेस्टिव सीजन आने वाला है क्या? है। यार बैलेंस कितना अच्छा बना रखा था ना उस बच्ची ने, हम गाड़ी रोक नहीं सकते थे वरना हम अच्छे से उसको देख के जाते और बहुत अच्छा किया उसने। उन्होंने रोड पे नहीं करना चाहिए बट हाँ उनको यहाँ पे रोड पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ना तो कोई रुकेगा ना कोई देख पाएगा, शॉप्स वगैरह है फिर भीड़ अलग जमा हो जाएगी, ना तो उनकी ढंग से कमाई हो पाएगी। बट यार लड़की तो बहुत छोटी थी, मतलब 7 साल की बच्ची थी, 6-7 साल की होगी ना जिस हिसाब से वो कर्तव्य दिखा रही थी अपना, उससे भी छोटी लग रही थी। बट कैसे कर लेते हैं यार, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वही वाला हाल है दोस्तों। घर आने वाला है, चलो पहुंचते घर।
हेलो फ्रेंड्स, देखो रात हो चुकी है और रात के 7:45 हो गए, बट जियाना को मैं पिछले 1 घंटे से उठा रही हूँ, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसको होमवर्क भी मिला है बहुत सारा, मुझे होमवर्क भी कराना है, उसके बाद मुझे डिनर भी रेडी करना है। और जियाना तो उठने, जियाना प्लीज़ उठ जाओ यार, जियाना ओ जियाना, जियाना उठो, रूही आई है, देखो ओ रे भाई जियाना, देखो रूही आ गई, उठ जाओ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। दोस्तों यही हो रहा है, मैं पिछले 1/2 घंटे से उठा रही हूँ उसको, ये ऊ करके मुझे ही डरा देती है। कैसे उठाऊँ यार, अब देखो ना मुझे कितना सारा काम भी करना है, मुझे अब मैं कब कराऊंगी इसको होमवर्क, ये कब उठेगी, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं आज क्या डिनर में बनाऊँ। दीदी मैं डिनर में क्या बनाऊँ बताओ, क्या खाओगे आज सब्जी में? देखो दीदी आपको कैबेज मिल जाएगा, बंद गोभी, आलू मिल जाएगा, और भिंडी भी बना सकती हूँ मैं, भिंडी भी रखी हुई है। आप क्या खाना चाहते हो? पत्ता गोभी खाओगे? दोस्तों दिन में दीदी, मैंने आपको दिखाया नहीं, हम लोग इतना खाने पे टूट पड़े थे, आज दीदी ने ना बहुत ही मस्त कढ़ी बनाई थी, इतनी अच्छी कढ़ी थी कि मैं वीडियो वीडियो सब भूल गई, फटाफट खाने बैठ गई और इतना खाया खा के नींद ही आ गई। तो अब बस हम लोग सो के उठे हैं, आलस वालस फैला के छोड़ के, तो अब जा रहे हैं डिनर की तैयारी करने। दीदी ने कह दिया बंद गोभी खाएंगे, तो आज बंद गोभी खाएंगे, ठीक है दीदी, बढ़िया एकदम। मेरे हाथों की दीदी को आज मैं बंद गोभी खिलाऊंगी, वैसे मैं रोज ही कुछ ना कुछ खिला रही हूँ और दीदी भी मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया खिलाती है। चलो फिर बंद गोभी की तैयारी करते हैं। जियाना को फिर से ट्राई कर लेती हूँ उठाने के लिए, यार वो डराती है मुझे, मतलब समझ नहीं आता वो मेरी मम्मी की मैं उसकी मम्मी हूँ। नहीं उठ रही, मैं बहुत जगह आ चुकी हूँ। आप किससे, जीजा जी से बात कर रहे थे इतनी देर से? अच्छा चलो फिर दोस्तों जा रही हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको सब्जी कैसी बनी है। हेलो फ्रेंड, जियाना उठ चुकी है, तो मैंने ना थोड़े से अंडे बॉईल कर दिए, ये देखो अंडे में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और मैं कभी कभी जियाना को जब सो के उठती है ना तो उसको अंडे भी खिला देती हूँ, तो जियाना की नींद भी खुल जाएगी। अभी वो मैडम जी सो के उठ गई हैं, लेकिन अपना कुछ कार्टून देख रही है, मैं यहीं से देख लेती हूँ। दीदी आप खाओगे बॉयल्ड एग खाओगे? दीदी नहीं, दीदी बॉयल्ड एग नहीं खाएंगे, जियाना खाएगी, मैं खाऊंगी और उसके पापा खाएंगे। दीदी ऑलरेडी कुछ खा चुकी है शायद, इसलिए उनका पेट भरा हुआ है। दोस्तों अंडे हो चुके हैं, अब मैं थोड़ी देर में इसको इनको छील के जियाना और जल्दी जल्दी खा लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। यही टाइम है अंडे खाने का, क्योंकि इसके बाद दोस्तों नवरात्र शुरू हो जाएंगे, फिर अंडे आना हमारे घर में बंद हो जाते हैं, कि अंडे और हम इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि माता रानी के दिन होते हैं 8-9 दिन, उतने दिन हम अंडे और चिकन अवॉइड करते हैं, बाकी हम पूरे साल खाते हैं। और सर्दियों में तो अंडे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे ब्रेड ऑमलेट तो बहुत पसंद है, विंटर में बस एक चाय हो जाए, ब्रेड ऑमलेट हो जाए, मज़ा ही आ जाता है। तो अंडे हो चुके हैं, मैं जा रही हूँ सबको अंडे सर्व करूँगी। दोस्तों देखो तेल मेरा हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा गैस लेस कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल गर्म हो गया है। और मैंने रेडी कर लिया, देखो थोड़ा सा मैंने हींग लिया है, जीरा लिया है, अनियन लिया है, टमाटो हो गया, मेरी बंद गोभी कट चुकी है, और आलू हो गया। अब जैसे ही तेल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा जीरा और हींग, तो अभी थोड़ा सा तेल थोड़ा गर्म लग रहा है। Thank you.
दोस्तों सब्जी मैंने चढ़ा दी है और पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कैबेज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो वो खुद ही अपना पानी छोड़ेगा और मतलब 15 मिनट्स में ये सब्जी तैयार हो जाएगी। मैंने सिम पे रखी गैस ताकि धीमी धीमी आँच में सब्जी बनते रहे। जो धीमी धीमी आँच में सब्जी बनेगा जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उससे जलती भी नहीं सब्जी तो मैं मद्दी कर दी सब्जी। इतने में मैं अपना आटा वाटा लगा लेती हूँ, रोटी वोटी सेकने का हिसाब बनाती हूँ। ठीक है चलो ओके। तो दोस्तों हमारी सब्जी हो गई है पूरी रेडी। तो ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गई है, मस्त लग रही है और इसकी शक्ल भी ना दोस्तों सुंदर लग रही है। देखो सुंदर लग रही है, मॉइस्चर सारा उड़ चुका है। बन गई सब्जी। देखिए रूही क्या कर रही है। रूही हाय रूही, वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही हो? किससे कर रही हो? कन्नू भैया से कर रही हो? कन्नू भैया के साथ कर रही हो वीडियो कॉलिंग पे बात? पापा जी से कर रही हो? रूही 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 अब तो इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो फोन पे बात करने लगी हो। मेरी गुजू गुगु गुगु ओए 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 ओए, इसको नींद आ रही। आ आ आ आ हेलो छोटी बेबी। बेबी ने आज नाई नाई की है। बेबी के हेयर तो देखो कितनी शाइनी कर रहे हैं, वो कितने सिल्की सिल्की बाल है। दीदी इसके बाल तो बिल्कुल मेरे जैसे सिल्की सिल्की। बड़ी मम्मी वाले बाल ले लिए, बड़ी मम्मी वाले बाल। लेके घूमते रहो बस इसको। जाना कैसे रो रही है? जाना तुमसे तो बहुत ही अच्छा रो रही है। तो रूही अब नीनी का टाइम हो गया, चलो सो जाओ। गुड नाइट बोलो सबको। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बोलो। सो गई रूही। छोटी बेबी है, चलो जल्दी जल्दी होमवर्क करो जल्दी जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा जियाना को स्टडी करा रही हूँ, उसका होमवर्क कराना थोड़ा सा रहता था अभी बाकी था तो मैं वो करा रही हूँ। तो उसके बाद उसको स्टडी कराने के बाद हम सोने की तैयारी करेंगे। तो आज का दिन तो बस ऐसे ही निकल गया। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो दोस्त हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों बाय बाय। जियाना से बाय बाय। गुड नाइट दोस्तों। खुश रहो, मस्त रहो।